ओके कपा जी, आपकी एक राय जानना चाहूंगा। बहुत से रैपर से मैंने बात की है, उन्होंने कहा कि एज अ सिंगर और रैपर दोनों को एक सेम प्लेटफॉर्म मिलती है, दोनों की सेम ही अप्रिशिएशन भी होती है, बिल्कुल उतनी अप्रिशिएट लोगों से नहीं मिलती, या प्रोड्यूसर जो होती है उनसे अप्रिशिएशन इतनी नहीं मिलती एज अ कम्पेयर टू सिंगर। आप नहीं मानते? मैं ऐसा नहीं मानता। अगर आपकी बात में वजन है और आप सही काम कर रहे हैं तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, और सिंगर अपनी जगह ठीक है और रैपर अपनी जगह ठीक है, और दोनों का अपना ही एक वजूद है। और मैं चाहूँगा कि ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं, मैंने फेस नहीं करा, मतलब मैं जहाँ भी गया हूँ तो मेरे को वैसा ही प्यार मिला जैसा किसी सिंगर को मिलता होगा, या फिर किसी डांसर को मिलता होगा, या फिर किसी एक्टर को। मेरे को कभी किसी ने छोटा फील नहीं करा कि आप रैपर हैं तो कुछ भी नहीं है वो, तो मेरे को अच्छा ही फील हुआ भाई हमेशा, ऐसा कभी मेरे को लगा नहीं। ओके, आप डिवाइन से भी बहुत इंस्पायर्ड हो, और आप भी एक गली बॉय आए थे, उसके जिंदगी पे आधारित थी, सो हाउ आपने देखा है, कैसी लगी? अरे मैं मिला था डिवाइन से, अभी दिल्ली में मिले थे हम, एक इवेंट पे साथ में थे, और मतलब कि मैंने उसे बोला कि यार ये मूवी ऐसी है, ये हर रैपर की कहानी है, मतलब सिर्फ डिवाइन को नेजी की कहानी नहीं है, हर रैपर की है, क्योंकि मैंने देखा रैपर्स बड़े बेचारे दिल के ना, वो पेन उन्होंने कहीं देखा होता है अपनी जिंदगी में, वो सहा होता है तो वो लिखना आता है, वो लिखाई एक आशिक को, और यार फिर आशिक से ही निकलती है, मतलब जिसने दर्द सहा होता है अपने पे तो वो लिखता है वैसा। तो ये सब लड़कों की कहानी है, वो मिडिल क्लास लड़कों की कहानी है, जो मतलब कुछ करना आते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में अपना वजूद बनाना आते हैं, अपनी पहचान मतलब जो क्रिएट करना आते हैं, तो ये सब के बारे में मूवी है, उन सब स्ट्रगलर्स के लिए, सब रैपरों के लिए मूवी है।